welcome to my channel. My name is Kavya. In this video, मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ एक बहुत ही different topic. Actually, मैं इतना ज़्यादा different नहीं है, लेकिन मेरे channel पे इस topic को expect करना थोड़ा सा different है. So, in this video, मैं आप लोगों के साथ 5 to 6 ऐसी applications, ऐसी apps के बारे में बात करने वाली हूँ, जिनके through आप अच्छी खासी earning जो है, वो थोड़े बहुत efforts लगा के कर सकते हो. अगर आप एक housewife हो, या फिर आप एक working woman या man भी हो, and आप थोड़े बहुत effort लगा के एक अच्छी खासी earning का source ऑनलाइन ढूंढना चाहते हो, देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे खासे आइडियाज जो है वो देखने को मिल जाएंगे कि आप कैसे घर बैठे एक अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं. सो सारी जितनी भी एप्स वगैरह होंगी ना, उन सारी चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड अपने रेफरल कोड भी ना साथ में प्रोवाइड कर दूंगी. सो अगर आप मेरा रेफरल कोड डाल के वहाँ पे साइन इन करते हो, देन आपको थोड़े बहुत बेनिफिट जो है वो मिलेंगे. एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है ना, देन प्लीज डू लाइक शेयर and subscribe to my channel as well. Now let's begin with the video. सो द फर्स्ट ऐप इज हनीगेन. हनीगेन क्या करता है, आपके मोबाइल डाटा को बैकग्राउंड में यूज करता है, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट आपको वो पे करता है. आई विल एक्सप्लेन यू. हनीगेन में जब आप साइन इन करते हो, देन आपको $5 जो है वो वहाँ पे मिल जाते हैं साइन इन करते ही, एंड आपको उसे डेली बेसिस पे बैकग्राउंड में ओपन छोड़ देना. आपको जस्ट उस ऐप को ओपन करना है, बैकग्राउंड पे ओपन छोड़ देना. आप अपना नॉर्मल फोन जो है वो नॉर्मल तरीके से यूज करो, ओके. एंड जो आप डाटा यूज करोगे अपने पूरे दिन में, वो डाटे में से वो थोड़ा सा अमाउंट जो है वो लेगा. इन रिटर्न ऑफ दैट वो आपको पे करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 MB जो है वो यूज किया है, एंड 100 MB के दौरान वो ऐप जो है वो बैकग्राउंड में चल रही थी. सो वो उसमें से 5 या 10 MB जो है वो आपका यूज कर लेगा, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट वो आपको डॉलर्स में पे करेगा. उसमें 10 MB का आई गेस 1 पॉइंट बनता है, एंड $20 वहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो. सो आपको रियल मनी जो है वो इन रिटर्न ऑफ दैट मिलेगा. एंड इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपका फ्री डाटा पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपका दिन का 500 MB जो है वो वेस्ट हो गया, वो आपने यूज नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हनीगेन वो 500 का पूरा MB जो है वो ले लेगा, ऐसा नहीं है. एंड दिस ऐप इज सेफ ऑल्सो. सो आपको इसमें कोई भी एफर्ट्स नहीं करने, आपको जस्ट इस ऐप को बैकग्राउंड में ओपन छोड़ देना है, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट आप जो है वो अच्छा खासा अर्न कर सकते हो. आप इस ऐप के थ्रू ना मंथ में 500 to 600 rupees इजिली अर्न कर लोगे. एंड अगर इस ऐप को यूज करते हुए आपका रिचार्ज का अमाउंट भी निकल जाता है ना, देन इट इज अ स्टील डील, क्योंकि इस पर आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने. सो द नेक्स्ट ऐप इज तोलूना. तोलूना ऐप के बारे में भी आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा. तोलूना पे बेसिकली क्या होता है, तोलूना पे ना सर्वेज मिलते हैं आपको. इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसका सर्वे हो सकता है, कोई भी न्यू ऐप आई है उसका सर्वे हो सकता है. इसमें क्या होता है कि सर्वेज आते हैं आपको, वो सर्वेज जो है वो फिल करने होते हैं. इन रिटर्न ऑफ दैट तोलूना जो है वो आपको पॉइंट्स देता है, एंड एक सर्टन पॉइंट्स हो जाने के बाद आप उसके रिटर्न में कूपन्स ले सकते हो. अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, नायका का कूपन ले सकते हो, या फिर आप उस अमाउंट को, उस पॉइंट्स का अमाउंट बन जाता है, एंड वो अमाउंट जो है वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो. सो इसमें 50,000 पॉइंट्स हो जाने पे आपको 500 rupees जो है वो मिल जाते हैं, जो कि आप अपने अकाउंट में एज अ मनी ट्रांसफर कर सकते हो. तो लूना पे ना न्यू प्रोडक्ट्स के सर्विस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू सोप आया है मार्केट में, ठीक है, तो इसका पोस्टर आपको तोलूना पे वो दिखा देंगे, जैसे कि उस पर लिखा हुआ होगा कि आपके फेस पे ग्लो लाएगा, या आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है, और ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा. ऐसी ऐसी चीज़ें सोप के जो भी मार्केटिंग के पॉइंट्स होंगे वो लिखे हुए होंगे, एंड उसके बेसिस पे आपको वो पढ़ना है. उसके बेसिस पे आपको सर्वे मिलेगा. सर्वे में पूछा जाएगा कि क्या आपको लगता है कि ये सच में वर्क करेगा या नहीं, क्या आपको लगता है कि इसमें केमिकल्स कम होंगे या नहीं, क्या आपको लगता है कि ये सूटेबल होगा और स्किन के लिए या नहीं, क्या ये जो भी ब्रांड है ये सही है या नहीं. सो इसमें आप पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी टाइप के रिव्यूज अपने दे सकते हो. सो आपको ऑनेस्ट रिव्यू अपना देना है वहाँ पे, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके कुछ सर्टन पॉइंट्स होते हैं वो आपके वॉलेट में जो है वो ऐड होते जाएंगे. जब सर्टन पॉइंट्स जो है वो उसमें ऐड हो जाएंगे, देन आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, या इन रिटर्न ऑफ दैट आप वहाँ पे कूपन्स जो है वो भी ले सकते हो. सो इट्स ऑल्सो अ गुड ऐप, एंड इसके थ्रू लोग जो है वो 10 से 12 हज़ार ईजिली कमा लेते हैं मंथ का. सो डू ट्राई इट आउट. सो द नेक्स्ट ऐप इज मीशो. मीशो के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे आपको प्रॉपरली बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मीशो इन दीज डेज बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, एड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं इसकी, एज वेल एज यूट्यूबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. एंड आई ऑल्सो लाइक दिस ऐप, क्योंकि
इसको प्रमोट करने वाली चीज़ भी है, क्योंकि यह ऐप बहुत ही अच्छी है रीसेलिंग में, यू नो बहुत ही हैसल फ्री है। इस पर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, किसी भी टाइप की शिपिंग की, एक्सचेंज की, रिटर्न की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी टेंशन जो है वो मीशो खुद उठाता है एंड आपको जस्ट रीसेल करनी है प्रोडक्ट। अगर आपके बहुत ही अच्छे खासे लिंक्स हैं ना, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो एंड यू नो कस्टमर की वॉन्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो उसको कपड़े खरीदने हैं, होम डेकोर खरीदना है या ज्वेलरी खरीदनी है, उसकी वॉन्ट के अकॉर्डिंग वहाँ से चीज़ें पसंद करो एंड एक क्लिक में आप जो है वो प्रोडक्ट की फोटोग्राफ एज वेल एज उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो एक क्लिक में वहाँ से भेज सकते हो कस्टमर को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। एंड उस पर बिल्कुल भी नाम मेंशन नहीं होता है कि मीशो से भेजा जा रहा है या इसका रियल कॉस्ट क्या है। आप उसमें अपना मार्जिन इंक्लूड करके उसको बता सकते हो एंड अगर वो बाय कर लेता है देन मीशो जो है वो आपका मार्जिन जो है आफ्टर सेलिंग दैट प्रोडक्ट आपको सेंड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ जो है वो 400 की है एंड आपने वो सेल की है 600 रुपीज़ में, उस बंदे को नहीं पता वो मीशो से आई है, उस बंदे को नहीं पता इसकी कॉस्ट 400 रुपये है, उसको यही लगेगा कि वो आपने भेजी है एंड उसकी कॉस्ट जो है वो 600 रुपये है, ठीक है। तो देन वो बाय कर लेगा, उसको मीशो खुद भेज देगा प्रोडक्ट जो है वो। भेजने के बाद जब वो बंदा पे कर देगा पैसे देन वो 400 रुपये जो है वो मीशो खुद रख लेगा एंड जो 200 रुपीज़ है वो मीशो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर वो सामने वाला पर्सन जो है वो एक्सचेंज नहीं करता है, वो रिटर्न नहीं करता है प्रोडक्ट को देन, ओके। सो बहुत ही हैसल फ्री ऐप है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो एंड इस पे लोग बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर रहे हैं इन दीज डेज। 25 से 30 हज़ार लोग कमा लेते हैं अगर आपके लिंक्स हैं ना, देन आप इससे बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सो इसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एज वेल एज मेरा जो रेफरल कोड है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे ना देन आपको 30% ऑफ या फिर 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा ऑन योर फर्स्ट परचेज। सो या नेक्स्ट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें आप किसी भी ब्रांड या किसी भी यू नो कंपनी की चीज़ को प्रमोट करते हो एंड अगर आप उनकी चीज़ को सेल करवा देते हो देन इन रिटर्न ऑफ दैट वो ब्रांड या वो कंपनी आपको जो है वो कमीशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्वेटशर्ट जो है वो वेयर किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो मैंने अमेजोन से बाय किया था, ठीक है। तो मैं इसका लिंक ना अपना एफिलिएट प्रोग्राम में उनके जाके वो साइन इन करूँगी एंड वहाँ से मैं अपना खुद का लिंक क्रिएट करूँगी एंड वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं वो सेंड कर दूँगी एंड किसी को वो पसंद आता है वो बाय कर लेता है देन इन रिटर्न ऑफ दैट वो अमेजोन जो है वो उसके रिटर्न में मुझे कमीशन देगा 4%, 5%, 10%। ये जो है वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कमीशन के जो है तरीके होते हैं। सो एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो नायका का है, फ्लिपकार्ट का है, अमेजोन का है। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है इसको ज्वाइन करना एंड अपने खुद के लिंक बना के जो है वो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे या फिर यू नो व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो। उसके रिटर्न ऑफ दैट वो आपको ब्रांड जो है वो कंपनी जो है वो आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। जो कस्टमर होता है उसको सेम ही प्राइस पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये टी-शर्ट जो है मैंने ली है 400 रुपीज़ में, तो कस्टमर जो होगा वो 400 रुपीज़ ही पे करेगा, लेकिन वो मैंने सेल करवाई है, उसको मैंने प्रमोट किया है, सो इन रिटर्न ऑफ दैट अमेज़न मुझे कमीशन देगा, 4-5% दे सकता है, उसका एक अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट वो पे करेगा। एंड इसमें एक और ऐप है अर्न करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किस कोई ऐप्स हैं जिनका कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है, मिंत्रा का कोई एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है एंड अदर कुछ ऐप्स है लाइक आजियो है उसका कोई एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है, तो उसके आप लिंक्स का क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्वेटशर्ट जो है वो मिंत्रा से बाय की है, तो आप क्या करोगे, मिंत्रा में जाओगे, मिंत्रा में ये स्वेटशर्ट मैं ढूंढूंगी एंड स्वेटशर्ट मिल गई, स्वेटशर्ट का मैं लिंक लूंगी वहाँ से एंड वो लिंक मैं अर्न करो में डालूंगी, उससे अपना पर्सनल लिंक बनाऊंगी एंड उस लिंक को मैं डाल दूंगी कहीं पे भी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी वो लिंक डाल दूंगी। उस लिंक के थ्रू अगर आप बाय करोगे देन मुझे अर्न करो पे करेगा अमाउंट, अर्न करो मुझे कमीशन देगा, ना कि मुझे मिंत्रा या आजियो कमीशन देंगे, मुझे अर्न करो देगा क्योंकि मैंने अर्न करो के थ्रू लिंक्स बनाए थे, ठीक है। तो इसके थ्रू आप जो है वो अर्निंग कर सकते हो। ये आपको सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट ये बहुत ही इजी प्रोसेस है एंड इससे आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके लिंक्स हैं, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है या अच्छी खासी फॉलोइंग है ना इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग हैं आपके कनेक्शन में, देन गो फॉर दिस एफिलिएट प्रोग्राम्स। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है एंड इसमें अर्निंग के बहुत ही सही चांसेस रहते हैं। 50,000 लोग लाख लाख रुपए भी इसमें जो है वो कमाते हैं मंथली। सो गो फॉर दिस फॉर श्योर।
नेक्स्ट जो ऐप है दैट इज़ Assort.com. Assort जो है उसका थोड़ा सा फंडा जो है ना वो डिफरेंट है. Amazon, Flipkart, Nykaa पे क्या होता है कि आपको किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है एंड एक प्रोडक्ट अगर बंदा बाय करता है देन इन रिटर्न ऑफ दैट आपको एक प्रोडक्ट की कमीशन मिलती है एंड वो एक टाइम के लिए होता है एंड नेक्स्ट टाइम अगर बंदा वही सेम किसी अदर चीज़ को बाय करता है देन आपको कमीशन नहीं मिलती है. बट Assort.com पे आपको प्रॉपर पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो प्रमोट करनी होती है, आपको वो उसमें साइन इन करवाना होता है. आपने अपने रेफरल कोड के थ्रू किसी को साइन इन करवा दिया, वो बंदा लाइफ टाइम वहाँ से कुछ भी बाय करेगा ना देन इन रिटर्न ऑफ दैट आपको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा. Assort पे जो है अमेजोन की तरह ही क्लोथिंग आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, स्किन केयर सारे तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं एंड उस पर कस्टमर को भी बहुत ही सही वाले डिस्काउंट्स मिलते हैं एंड आपको भी बहुत ही सही वाले डिस्काउंट्स मिलेंगे. अगर आपके नीचे बहुत सारे लोग वहाँ से शॉप कर रहे हैं देन आपको लोगों से ज़्यादा डिस्काउंट वहाँ पे जो है वो मिल जाएगा. एंड ऑल्सो अगर आपने किसी एक को साइन इन करवा दिया एंड उस बंदे ने आगे किसी अदर बंदे को साइन इन करवा दिया, जितनी भी वो चेन बनती जाएगी ना आपको सबकी कमीशन जो है वो थोड़ी 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 मिलती जाएगी एंड लाइफ टाइम आपको कमीशन मिलेगी. लाइफ टाइम वो बंदे उस वेबसाइट से कुछ भी बाय करेंगे ना आपको कमीशन मिलेगी. एंड ये फंडा जो है ना वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्मूथ है. एक बार साइन इन करवाओ एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया. वो बंदे जो मर्जी बाय करें वहां से एंड आपको कमीशन जो है वो मिलती रहेगी. सो ये जो है ना वो अमेजोन फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा ज्यादा ईजी हो जाता है इस वे में. नेक्स्ट एंड जो लास्ट वे है ऑनलाइन अर्निंग का दैट इज लेटी शॉप या कैश करो जैसी एप्स को यूज करना वाइल यू आर शॉपिंग. ओके, जैसे लॉकडाउन के बाद ना बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की आदत पड़ गई है मेरे जैसे, तो ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग करते हैं जितना भी अमाउंट हमें आता है उतना हमें पे करना पड़ता है. लेकिन क्या हो अगर हमें जितना अमाउंट हमने पे किया है इन रिटर्न ऑफ दैट हमें थोड़ा सा कैशबैक मिल जाए, हमें हमारे ही दिए हुए पैसों में से थोड़ा सा अमाउंट वापस मिल जाए, कितनी खुशी होगी ना. सो फिर मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आजियो से शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आजियो के ऐप में सिंपल डायरेक्ट नहीं जाऊँगी, मैं लेटी शॉप ओपन करूँगी या कैश करो ओपन करूँगी. वहाँ पर मैं आजियो टाइप करूँगी, आजियो ढूंढूंगी, वहाँ पे मैं आजियो के अंदर जाऊंगी एंड वहाँ से मैं अपनी नॉर्मल जो शॉपिंग है वो कर लूंगी. नॉर्मल शॉपिंग करने के साथ मेरा वहाँ पे जो बिल है वो बनता है 1500 रुपीज़ एंड मेरा नॉर्मल ऑर्डर आएगा. नॉर्मल मैं डिलीवरी की ऑप्शंस डालूंगी वहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी भी डाल सकते हो, ऑनलाइन भी पे कर सकते हो. नॉर्मल मेरा ऑर्डर आ गया, मैंने रिसीव कर लिया, उसकी एक्सचेंज की डेट जो है, उसकी रिटर्न की डेट जो है वो खत्म हो चुकी है. देन जो ऐप है, जो लेटी शॉप है या जो कैश करो है, उसका अपना अपना परसेंटेज का मार्जिन होता है कैशबैक का. जैसे 10% है, किसी का 2% होता है, किसी का 3% होता है, ये वेरी करता है. ओके, सो वो जो परसेंटेज का अमाउंट है उतना परसेंटेज 1500 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल 10% है, देन 150 रुपीज आपको कैशबैक मिल जाएगा एंड उसमें आप 250 या 300 रुपीज हो जाने के बाद उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो. प्रॉपरली मनी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई कूपन वगैरह नहीं मिलेंगे, प्रॉपर मनी को आप ट्रांसफर कर सकते हो. सो आपको अपने ही दिए हुए पैसे, अपने ही जो है खर्चे हुए पैसे दोबारा कमाने का मौका मिल जाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ नाइस वे टू यू नो सेव योर मनी. सो दीज आर द एप्स अबाउट विच आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड ना देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय.